गुड मॉर्निंग। SVM YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परिवहन और संचार के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे जल परिवहन का। जल परिवहन, तो सबसे पहले देखें जल परिवहन को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जल के माध्यम से होने वाले परिवहन को जल परिवहन कहा जाता है। यानी जल के माध्यम से या जल के द्वारा होने वाला परिवहन जल परिवहन कहलाता है। तो परिवहन के सभी साधनों में जल परिवहन सामान्यतः सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। जलमार्ग नदियों, झीलों, नहरों तथा समुद्र से होकर के ये मार्ग गुजरते हैं। जलमार्ग के निर्माण में भी देखो कोई विशेष धन खर्च नहीं करना पड़ता। यद्यपि जलयानों के निर्माण, जलमार्गों को गहरा करना आदि पर कुछ खर्च करना पड़ता है। जल परिवहन के साधनों में जैसे नौकाएं हैं, स्टीमर हैं, बड़े जलयान हैं आदि जल परिवहन के साधन हैं। तो जल परिवहन जो है वो सभी परिवहनों में सबसे सस्ता साधन है। तो हम जल परिवहन की विशेषताएं निम्न प्रकार से बता सकते हैं। नंबर एक, परिवहन के सभी साधनों में जल परिवहन सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। जलमार्ग नदियों, झीलों, नहरों तथा समुद्रों से होकर गुजरते हैं। तीसरी विशेषता है, जलमार्ग के निर्माण में विशेष धन खर्च नहीं करना पड़ता। सामान्यतः सस्ते और भारी पदार्थ जैसे कोयला, लोह एसर, लोहा इस्पात, सीमेंट, अनाज और विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादें जैसे यूरिया है, DAP है, जो भारी भरकम पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, उनको ढोने के लिए जलयानों का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नदियों तथा झीलों में जल की गहराई और उसकी मात्रा के अनुसार जलयान
छोटे और बड़े हो सकते हैं। जल परिवहन को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। जल परिवहन को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। या हम यूं कहें कि जल परिवहन के दो वर्ग हैं। नंबर एक आंतरिक वर्ग, जल मार्ग, और दूसरा है महासागरीय, महासागरीय जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग और महासागरीय जल मार्ग, तो हम इन दोनों का अलग अलग प्रकार से अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से जल मार्ग आंतरिक जल मार्ग हैं और कौन कौन से महासागरीय जल मार्ग हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आंतरिक जल मार्ग। नंबर एक आंतरिक जल मार्ग, तो इसमें देखिए यह महाद्वीप एक, यह है महाद्वीप एक या स्थलीय भागों में स्थित नदियों तथा झीलों से, नदियों नहरों तथा झीलों से होकर जाते हैं। गुजरते हैं, तो देखिए आंतरिक जल मार्ग हम किसे कहेंगे कि आंतरिक जल मार्ग जो है वो महाद्वीपीय या स्थलीय भागों में स्थित यानी स्थल भाग में स्थित नदियां नहरें तथा झीलों से होकर के गुजरते हैं, और इसके लिए वे नदियां और झीलें उपयुक्त होती हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में जल और पर्याप्त मात्रा में उसकी जल की गहराई और साथ ही साथ थोड़ा कम ढाल पाया जाता है, क्योंकि नदियों में रेत आदि के निक्षेप में जल परिवहन में बाधा आती है या जल परिवहन बाधित हो जाता है, क्योंकि स्थलीय भागों से आने वाली मिट्टी जो है वो नदियों में गाद के रूप में जमती रहती है और नदियों का जल उथला हो जाता है, तो उसको गहरा करने में, उसको निकालने में, उसको सफाई करने में बहुत व्यय करना पड़ता है। तो जो नदियां या झीलें शुष्क ऋतु में सूख जाती हैं, गर्मी की ऋतु में वो सूख जाती हैं, तो ऐसी नदियों में, ये ऐसी नदियों में हम कहें कि ऋतु परिवर्तन होता है, या हम कहें कि मौसमी परिवहन ऐसी नदियों में होता है। जब वो नदियां पानी से भर जाती हैं तब उनमें परिवहन होता है, और जब सूख जाती है तो परिवहन बंद हो जाता है,
तो ऐसी नदियों में जो परिवहन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मौसमी परिवहन कहते हैं, यानी मौसम के अनुसार मौसमी परिवहन, यानी वर्षा ऋतु में जब नदियां जल से लबालब भर जाती हैं तो उनमें परिवहन होता है, और शुष्क ऋतु में वो सूख जाती हैं तो परिवहन बंद हो जाता है। विश्व में जिन भागों में, संसार के अंदर जिन भागों में पर्याप्त जल प्रवाह वाली बड़ी नदियां पाई जाती हैं उनका उपयोग जल परिवहन के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग। विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग, तो अब हम चर्चा करेंगे कि संसार के अंदर कौन कौन से प्रमुख आंतरिक जलमार्ग हैं, उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। यूरोप के आंतरिक जलमार्ग, तो देखिए यूरोप में आंतरिक जलमार्गों का बहुत विकास हुआ है, या हम कहें कि आंतरिक जलमार्गों की दृष्टि से यूरोप की स्थिति अति उत्तम है। ये उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियां यूरोपीय देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो यहां पर देखो यूरोप की जो राइन नदी है, यूरोप की राइन नदी जो है वो विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है, या हम कहें कि यूरोप की राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है जो नीदरलैंड जर्मनी में प्रवाहित होती हुई स्विट्जरलैंड तक जाती है। तो ये परिवहन का आंतरिक जलमार्गों में सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग माना जाता है। तो राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है, रूर नदी पूर्व में राइन में मिलती है जो संपन्न कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। इसी प्रकार से दूसरे जलमार्गों में एशिया के आंतरिक जलमार्ग तो देखिए एशिया में चीन देश में आंतरिक जल मार्ग सबसे अधिक विकसित हुआ है। वहां पर हवांगो नदी अपने मुहाने से लेकर लगभग 200 किलोमीटर ऊपर तक नौगम्य है, यानी नावें चलाने के योग्य है। यांगटिसियांग नदी भी अपने मुहाने पर स्थित शंघाई नगर से लेकर के क्योंकि क्यांग तक नौका जाने के योग्य है। इसी प्रकार से यदि हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत में गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, दोनों ही नदियां आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से अति उत्तम मानी
जाती है। इसी प्रकार से हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक मार्ग तीसरा महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलिया की आंतरिक जलमार्ग। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जलमार्गों में हम यदि बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में केवल मर्रे तथा डार्लिंग नदियों के मुहाने से, ऑस्ट्रेलिया की दोनों ही महत्वपूर्ण नदियां हैं मर्रे और डार्लिंग, वह तो दोनों ही नदियों के मुहाने से लगभग 1500 किलोमीटर अंदर तक जलपोत पहुंच सकते हैं। अन्य नदियां जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हैं वो नौकागम्य नहीं है, ये दोनों ही नदियां मर्रे नदी और डार्लिंग नदी दोनों ही आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण नदियों की गणना में आती है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जल मार्गों की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित महान झीलों के आंतरिक जल परिवहन विकसित अवस्था में है। वहाँ पर जो बड़ी बड़ी झीलें हैं यूएसए की, जिनमें सुपीरियर है, मिशिगन है, हारून है, ईरी झील है आदि झीलें आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कनाडा के अंदर महान झील मार्ग के अतिरिक्त स्केचान, मैकेंजी और ओटावा नदियां भी जल परिवहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, लेकिन शीत ऋतु में वहां पर बर्फ जम जाने के कारण, वहां का पानी जम जाने के कारण ये परिवहन बाधित हो जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप के आंतरिक जल मार्गों की, तो देखिए अफ्रीका में नील नदी है, कांगो नदी है, नाइजर नदी है आदि बड़ी नदियां हैं। यद्यपि नील नदी केवल मुहाना प्रदेश में ही नौकागम्य है, यानी मुहाना प्रदेश के अंतर्गत ही उसमें नावें चलती हैं, लेकिन नाइजर और कांगो दोनों नदियों के मुहाने से लेकर लगभग 1100 किलोमीटर भीतरी भागों तक जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। यदि हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका के आंतरिक जल मार्ग जो हैं वो उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली विशाल नदी, जिसको हम अमेजन नदी कहते हैं, अमेजन और उसकी सहायक नदियों सहित लगभग 30,000 किलोमीटर लंबा जलमार्ग प्रदान करती हैं। दक्षिणी ब्राजील, अर्जेंटीना और यूरुग्वे, यूरुग्वे को पराना, पराग्वे और प्लाटा नदियों तक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आंतरिक जलमार्गों के अंदर यूरोप के जलमार्ग हैं, उत्तरी अमेरिका के जलमार्ग हैं, एशिया के जलमार्ग हैं, अफ्रीका के जलमार्ग हैं और ऑस्ट्रेलिया के जलमार्ग हैं। तो ये जलमार्ग जो हैं वो आंतरिक जलमार्ग कहलाते हैं। आंतरिक जलमार्ग का की परिभाषा हमने आपको बताई थी कि महाद्वीपीय स्थलीय भागों में स्थित नदियों, वहाँ की झीलों से होकर जो परिवहन होता है उसको हम आंतरिक जल परिवहन कहते हैं। परिभाषा एक बार पुनः आप देख सकते हो, आंतरिक जलमार्ग किसे कहते हैं, आंतरिक जलमार्ग क्या होता है। तो देखिए यह महाद्वीपीय या स्थलीय भागों में स्थित नदियों, नहरों तथा झीलों से होकर ये परिवहन गुजरते हैं, इनको हम आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। कल हम एक नया
आंतरिक जल परिवहन लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।